उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को आज सत्ता पर काबिज हुए एक साल पूरा हो गया। सीएम अखिलेश पिछले काफी वक्त से अपने चुनावी वादों को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बीती 11 मार्च को लखनऊ में छात्रों को लैपटॉप्स बांटे गए। लेकिन मजेदार बात यह रही कि छात्रों को बेहतर तकनीक का सबक सिखाने से ज्यादा अखिलेश सरकार लैपटॉप का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने के लिए करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के झंडोर रंगों से रंगा पंडाल, मंच से लेकर मैदान तक सब समाजवादी। नजारा लखनऊ का है, तारीख बीती 11 मार्च। सीएम अखिलेश ने 12वीं पास 10,000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। विधानसभा चुनाव में वादा किया था, लिहाजा सरकार की पहली सालगिरह से 4 दिन पहले अखिलेश ने वादा पूरा कर दिया। वादा और ज्यादा का किया है, इसलिए बाद में और लैपटॉप बांटे जाएंगे। तकनीक इस दौर में हर कोई आगे रहना चाहता है, लिहाजा लैपटॉप आने वाले छात्र बेहद खुश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छात्रों को लॉलीपॉप की तरह बांटे गए ये लैपटॉप समाजवादी पार्टी के रंगों से सराबोर है। लैपटॉप के बैग से लेकर स्क्रीन सेवर तक सब कुछ समाजवादी रंग में रंगा है। लैपटॉप ऑन होते ही पूरे वादे की टैगलाइन के साथ सीएम अखिलेश अपने पिता मुलायम की मुस्कुराती तस्वीर के साथ नजर आते हैं। 10,000 जो स्टूडेंट हैं लखनऊ के, उनको मिला है, बाकी लोगों को ये दिया जाएगा लैपटॉप। और इस लैपटॉप के कवर पर भी वैसी ही फोटो है जैसे उसके जो बैग पर है। और यहाँ पर जब इसको ऑन करते हैं लैपटॉप को, उसके बाद से ये जो सबसे पहली तस्वीर यहाँ पर आती है, ये मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर आती है, पूरे होते वायदे लिखा हुआ है और उसके बाद ये ऑन होता है। लैपटॉप चुनावी वादों की चासनी से निकला है, लिहाजा कोई चाहकर भी सीएम साहब के नारे और तस्वीरों को लैपटॉप से हटा नहीं सकता। पूरी तकनीक समाजवादी पार्टी की स्टाइल से लैस है। ऊपर का जो वॉलपेपर आ रहा है वो तो चेंज हो जाएगा, निकल जो पहले स्टार्टिंग में आता वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसको चेंज करने से बहुत सारी खराबी है, क्रैक विंडोज का क्रैक हो सकता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर किसी ने सीएम साहब के दिए लैपटॉप्स के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की तो उसे हमेशा के लिए लैपटॉप से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसका वॉलपेपर तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके बायोस के साथ छिड़खानी नहीं की जा सकती है। अगर किसी ने भी इसके बायोस के साथ छिड़खानी करने की कोशिश की तो इसका ओएस जो है करप्ट हो जाएगा और इसकी विंडोज भी काम करना बंद हो जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाजवादी रंगों से सराबोर ये लैपटॉप छात्रों के लिए मददगार साबित होंगे। हालांकि सच ये भी है कि कंप्यूटर की विंडो की तरह सियासत में मुनाफे की खिड़कियों को मौके और दस्तूर के हिसाब से खुला और बंद रखने का रिवाज है। सुरक्षा कारणों से इसमें ये तकनीकी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ये जो लैपटॉप दिए गए जब तक ये काम करेंगे, यहाँ पर ओपन होने पर जो तस्वीर आएगी वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर यहाँ पर दिखाई ही देगी। तो ये जो छात्रों की खुशी तो है इस मामले को लेकर कि लैपटॉप उनको मिला हुआ है, लेकिन तस्वीर के मुद्दे की अगर हम बात करें, इस पर फोकस करें, तो ये एक अपने आप में एक अनूठी सरकारी तानाशाही है। और एक और अंदाज में अगर आप कहना चाहें तो ये तकनीक में सियासत का तड़का है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, P7 न्यूज लखनऊ। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो वादों और दावों के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली एसपी सरकार पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। एक साल में ही उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो गया है। खराब कानून व्यवस्था और अपने ही नेताओं की दबंगई से अखिलेश सरकार मुश्किल में है। अखिलेश सरकार का एक साल, उत्तर प्रदेश बना अपराध प्रदेश, सूबे में अपराध का बोलबाला, नहीं थमी पार्टी नेताओं की दबंगई, सवालों के घेरे में एसपी सरकार। अपने एक साल के कार्यकाल में ही अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हुए और राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। राज्य पूरे साल सांप्रदायिक दंगों से भी जूझता रहा।
1 जून 2012 को मथुरा में मामूली विवाद के बाद भड़की हिंसा में 4 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। 23 जून 2012 को प्रतापगढ़ में दलित लड़की से रेप और हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के मकान के साथ गांव के 46 मकानों को आग के हवाले कर दिया। बरेली में कावड़ी और चाय विक्रेता के विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और 3 लोगों की जान चली गई। इलाके को कई दिनों तक कर्फ्यू की मार झेलनी पड़ी। 14 सितंबर 2012 को गाजियाबाद में शरारती तत्वों की धार्मिक पुस्तक के अपमान के अफवाह से मसूरी इलाके में हिंसा भड़क गई। गुस्साए लोगों ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों को पीटा और वाहनों को आग लगा दी। हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई। 24 अक्टूबर 2012 को फैजाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई मारपीट ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। हिंसा में कई लोग घायल हो गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। 4 मार्च 2013 को अंबेडकर नगर के टांडा में हिंदू जागरण मंच के नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इन तमाम घटनाओं के अलावा पिछले दिनों कुंडा में भड़की हिंसा में ग्राम प्रधान और उसके भाई की हत्या के बाद डीएसपी जियाउल हक की जान चली गई। डीएसपी की हत्या में राजा भैया का नाम भी आया। मामले की सीबीआई जांच जारी है। 1 साल से हिंसा की तमाम घटनाओं ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। सपा की सरकार आने के बाद जब इस प्रकार के तनाव बढ़ते हैं तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी की एक बड़ी साजिश होती है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व समाज में से सभी वर्गों के लोग दिन छिपे के बाद घर से निकलते हुए 10 बार सोचते हैं कि हम लोग अपने घर में वापस लौट पाएंगे सुरक्षित या नहीं। खुद मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत से चिंतित हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सवाल करने पर भड़क जाते हैं। आंकड़े सामने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इससे मैं बचना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को कोई बचाना चाहता हूं, लेकिन जितना आप दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, जहां कानून ठीक चल रहा वो भी मेरा निवेदन है आपसे कि दिखाया करें। 1 साल में एसपी सरकार की पोल खुल गई है। पार्टी अपने मंत्रियों की दबंगई पर ही लगाम नहीं लगा पा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में एसपी सरकार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। ज्ञानेंद्र शुक्ल, P7 न्यूज, लखनऊ। अखिलेश यादव के यूपी की बैकडोर संभालने के बाद से ही जो अपराध का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। दंगे, हिंसा, मारपीट, आम लोगों के साथ ही पुलिस वाले भी कई बार इसके निशाने पर रहे। 2012 में जब अखिलेश सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए तो यूपी की जनता ने नए सपने देखे। युवा अखिलेश के सीएम बनने के बाद सूबे की जनता को आस थी कि प्रदेश में नया सवेरा आएगा, सूबे में सुशासन होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, युवाओं के सपने साकार होंगे और हौसले बुलंद होंगे। साइकिल की सवारी कर अखिलेश सीएम तो बन गए, लेकिन बदला कुछ नहीं। अखिलेश के सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद रहे, आम लोगों की क्या वर्दी वाले भी महफूज नहीं रहे। 1 अप्रैल को इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाने में घुस गए और पुलिस वालों को जमकर पीट दिया। 4 अप्रैल को मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों ने सिपाही को गोलियों से भून दिया तो 18 अप्रैल को मऊ में पुलिस के गिरफ्त से बाहर कर बदमाश एक घर में घुस गए और घर वालों को बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया। मई के शुरुआत में आगरा में बदमाशों ने सिपाही से राइफल छीन ली, जबकि मेरठ में बदमाशों ने एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। जहां यूपी में अपराधियों का हौसला बुलंद है, वहीं वर्दी वाले भी वर्दी को दागदार करने में पीछे नहीं है। झांसी में जीआरपी के जवानों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया तो लखनऊ में फूड सेल में तैनात इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही को ही पीट दिया। रायबरेली के हरचंदपुर में सिपाही ने ही एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की तो लखनऊ के मालथाने इलाके में एक दारोगा ने एक फरियादी के साथ दुराचार की कोशिश की। कुशीनगर में थाने में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जबकि सीतापुर में दारोगा और चौकीदार पर दुराचार का इल्जाम लगा। इंसाफ की आस में थाने के चक्कर काट रही एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने मेरठ में आईजी दफ्तर में ही जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। रायबरेली में सिपाही ने ही एक छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कई जगहों पर पुलिस हिरासत में हत्या की वारदात भी सामने आई। हमीरपुर में पुलिस हिरासत में हत्या हुई तो रायबरेली में भी लॉकअप में कैदी को गोली मार दी गई। सूबे के हर जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला गया।
कुछ बड़ी घटनाओं ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जौनपुर में मुलायम सिंह के करीबी ज्योतिषी की हत्या की गई। लखनऊ में सड़क दुर्घटना के बाद छात्रों ने हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी हुई और बम भी फेंके गए। किसी न किसी शक्ल में अपराध सर उठाता रहा। बलरामपुर और गोंडा में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर में दारोगा की हत्या कर सर्विस रिवॉल्वर लूटी गई, तो राजधानी लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे और बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, रायबरेली में कुछ लोगों ने एक अधेड़ को जिंदा जला दिया। इस एक साल के दौरान कई लोगों की आवाजों को लाठी के दम पर दबाने की कोशिश भी की गई। अप्रैल में विधानसभा पर टीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया। इसी महीने आशा बहुओं ने विधानसभा का घेराव किया तो यहाँ भी पुलिस ने उनके खिलाफ लाठी का इस्तेमाल किया। मई में राजधानी लखनऊ में टीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, यहाँ पर भी उन्हें लाठी के दम पर दबाने की कोशिश की गई। जून में फर्रुखाबाद में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, B7 न्यूज। हालांकि अपराध के इस बढ़ते ग्राफ्स के बीच इस एक साल में यूपी सरकार ने कई सराहनीय काम भी किए और उन्हीं में से एक है वुमेन पावर लाइन की शुरुआत, जिसने सूबे की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। क्या आप आपत्तिजनक फोन कॉल्स, SMS, MMS से परेशान हैं? कॉल करें 1090 उत्तर प्रदेश पुलिस, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यूपी सरकार की एक ऐसी पहल है जिसने सूबे की महिलाओं को एक बड़ी ताकत दी है। सत्ता संभालने के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा सीएम ने जल्द ही इस टोल फ्री नंबर का शुभारंभ किया। 1090 योजना के माध्यम से कहीं न कहीं उन पीड़ित लोगों को मदद मिल पाएगी और ऐसे लोग जो परेशानी पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 नंबर की शुरुआत की, जो एक कॉल सेंटर की तरह काम करता है। महिलाओं की सहूलियत के लिए इस सेंटर में महिला कर्मियों की तैनाती की गई है, जहां छेड़खानी या अश्लील हरकत की शिकायत करने पर सबसे पहले मामला दर्ज होता है और बाद में शिकायत पर कार्रवाई के बाद महिला से कई बार फीडबैक भी लिया जाता है। 24 घंटे में उस पीड़िता से पुनः संपर्क किया जाएगा कि अब तो कोई शिकायत नहीं आ रही है। इसके पश्चात एक सप्ताह बाद संपर्क किया जाएगा फीडबैक लेने के लिए और तीसरा जो संपर्क किया जाएगा एक महीने। 1090 पर शिकायत के बाद पुलिस कई स्टेज पर कार्रवाई करती है। मसलन, महिला की शिकायत के बाद पहले आरोपी को समझाया जाता है और उसे आगाह किया जाता है कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे, लेकिन समझाने के बाद भी अगर आरोपी सुधरने का नाम नहीं लेता तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस पर समझाने के बाद भी ये नहीं माना और बेहद बदतमीजी से गाली गलौज करते हुए इसने पुलिस को परेशान भी किया और माना नहीं, उस पर एक अभियोग दर्ज किया गया और उनको फिर गिरफ्तार किया गया। अखिलेश सरकार की इस नायाब योजना का असर भी साफ दिखने लगा है। शिकायत के बाद समाधान और महिला को उसकी पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी खुद पुलिस वालों की है और काम का यही तरीका सूबे की महिलाओं को खूब रास आ रहा है। लेकिन थाने में की जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की सुस्त चाल महिलाओं की पूरी सुरक्षा की सोच पर सवाल खड़े करती है। दिवाकर त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज, लखनऊ। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे वुमेन पावर लाइन की वजह से दूसरे परेशान करने वाले व्यक्ति से छुटकारा मिल गया है। हम लड़कियों के लिए वुमेन पावर लाइन एक वरदान साबित हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।